गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से क्लास 8 का सिविक्स पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। इसका एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान। ठीक है, हम उसमें पढ़े थे कि हम संविधान होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, और भारतीय संविधान के कुछ लक्षणों के बारे में पढ़े थे। अब हम उसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है, चलिए हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब होता है संसदीय, ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम ये जानते हैं कि संसद होता क्या है, ठीक है। तो संसद अगर हम लोग देखेंगे तो यह तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और यही सरकार चलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत दो भाग होते हैं, अर्थात एक को हम लोग लोकसभा और दूसरे को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग लोकसभा को हम लोग टेम्पररी हाउस या फिर पीपल हाउस कहते हैं, और एक को हम लोग अपर हाउस कहते हैं या फिर परमानेंट हाउस कहते हैं। अर्थात जो लोकसभा होता है उसके सदस्यों का चुनाव 5 सालों बाद सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, और वह 5 सालों से पहले भी भंग की जा सकती है, इसीलिए उसे टेम्पररी हाउस, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है आपका, जिसे हम लोग अपर हाउस या फिर परमानेंट हाउस कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से 2/3 सदस्य जो होते हैं, सॉरी 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं अर्थात रिटायर होते हैं, और उनके जगह पर उतने ही सदस्य 6 सालों के लिए चुन लिए जाते हैं। और ये जो सरकार के 2 सदन होते हैं, ये दोनों सदन सरकार को चलाने में और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में सहयोग देते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे देश का जो संविधान है वो संसदीय संविधान है, वो संसदीय सरकार का निर्माण करती है। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। अर्थात सरकार के 3 अंग, ठीक है, और उन पर नियंत्रण और उनके कार्य। तो ध्यान दीजिए, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, क्या होता है, कार्यपालिका। और दूसरा होता है हमारा लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका, और तीसरा होता है जुडिशियरी। तो सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव का जानते हैं, विधायिका। विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करना अर्थात नियम कानून बनाना। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के नियम कानून या फैसले लेने का काम करता है, और जो भी फैसले लिए जाते हैं उन फैसले को पालन करवाना, लागू करवाना या फिर उसको अमल में लाने का काम एग्जीक्यूटिव करती है अर्थात कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका उसको पूरे देश में लागू करती है, उसे संचालित करवाने में सहयोग देती है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है सरकार, एक सरकार या दूसरे सरकार के बीच, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच, जनता या सरकार के बीच, तो किसी प्रकार का भी कोई विवाद उत्पन्न होता है या लोग किसी नियम कानून से असहमत होते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी विवाद हैं, समस्याएं हैं, उन सबको सुलझाने का काम जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका करती है। हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो निष्पक्ष होकर न्याय करने का काम करती है। उस पर किसी भी अंग का दबाव नहीं होता है। सरकार एक बार जुडिशियरी की स्थापना हो जाने के बाद, निर्माण हो जाने के बाद, उस पर न तो एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेटिव या सरकार का कोई भी हिस्सा उस पर दबाव नहीं डालता। जुडिशियरी जो होती है अर्थात न्यायपालिका जो होती है वो पूरी तरह स्वतंत्र रहती है, ठीक।
उसके बाद हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मूलभूत अधिकार, ठीक है। हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो एक दिन का नवजात शिशु हो या फिर 100 साल का एक इंसान हो, सबको एक समान फंडामेंटल राइट दिया गया है, अर्थात मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संशोधन के बाद इसको बदल दिया गया और केवल अभी हमारे संविधान में 6 मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है। वो मूलभूत अधिकार जैसे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सॉरी राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार, ठीक है। और एक होता है रेमेडीज, द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अर्थात संवैधानिक सुधार का अधिकार। अर्थात ये अच्छे जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों का हम लोग कभी भी किसी भी कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं, इसे किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता। हाँ, कुछ समय के लिए रुका जा सकता है, जैसे अगर हमारे देश में किसी प्रकार का कोई आपातकाल की स्थिति आती है, ठीक है, तो उस समय हमारे कुछ अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उन कंडीशन में भी सुरक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो नियम होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो उस समय भी बंद नहीं होते, वो उस समय भी हमारे पास होते हैं और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा नियम है जिसको पालन करने का कार्य सरकार बनाने वाले जो सॉरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसका प्रयोग कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब भी किसी प्रकार का कोई नियम बनाएं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं अर्थात जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उसका पालन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार जो है हमारे देश में अस्थाई है और हर 5 साल बाद उसका चुनाव होना है। तो जिसकी भी सरकार बनती है वो जनता के भलाई के को देखते हुए ही नियम बनाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अगली चुनाव में वो चुने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति अर्थात नियम बनाने के जो तरीके बताए गए हैं उसको अपनाकर ही नियम कानून बनाया जाता है, ठीक। अब आता है सेकुलरिज्म, ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा संविधान जो है वो सेकुलरिज्म के नियम का पालन करता है अर्थात धर्म निरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब के सब एक समान हैं, उनके साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आखिरी हमारा होता है चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात जो संविधान सभा थी उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। तो सिंपल सी बात है, हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, ठीक है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसी दौरान हमारे देश के टुकड़े हुए थे और हमारा देश 2 भागों में पाकिस्तान और भारत में बट गया था। ऐसी परिस्थिति में एक रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए हमारे देश पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था और हमारे देश के जो विद्वान थे, जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, उन्होंने मिलकर हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। लेकिन उस संविधान के निर्माण के समय कुछ चुनौतियां थी, जैसे कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसा था जिसका काफ़ी लंबे समय से शोषण होता चला आया था, तो उनको शोषित होने से बचाने के लिए, सबको समान अधिकार दिलाने के लिए, सबको समान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवसर प्राप्त कराने के लिए कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिनको उनका सामना करना पड़ा था संविधान सभा के सदस्यों को। और इन सभी
चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने बहुत ही सोच विचार के बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। और इस तरीके से हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक संविधान किसी लोकतांत्रिक देश के लिए अति आवश्यक होता है सुचारू तौर पर संचालित करने के लिए। संविधान ही वो नियम कानून की किताब है जो सरकार को नियंत्रित करती है और इसके साथ साथ जनता को भी नियंत्रित करती है। संविधान ही वो पुस्तक है जो सरकार को भी शक्ति देने का काम करती है और जनता को भी शक्ति देने का काम करती है, और किसी भी प्रकार से जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन सभी विवादों को किस तरीके से सुलझाया जाए इन सभी के बारे में भी संविधान ही बताने का काम करता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस लेशन का यहाँ पे अंत होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपनी कॉपी पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।